बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। क्या काम कर? मैं मिर्जापुर से आया हूँ दर्शन के लिए जी। और पहले में अब में क्या फर्क देख रहे हैं काशी में? काशी में जैसे मान लीजिए जो मंदिर वगैरह है वो तो कुछ फर्क है, जो चीजें चेंज हुई, लेकिन ये तो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। लेकिन देखिए सरकार, हम मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे किसी को भी नहीं चुनना चाहिए। सरकार चुनने का मेन मुद्दा होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। चूँकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक किया है, सिविल इंजीनियर हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, विकास कितना हो रहा है, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। ऐसे मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं चुनाव में जाऊँ तो ये कहूँ कि इसलिए हमें वोट दो क्योंकि हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो ये गलत बात है। और जनता को देना भी नहीं चाहिए हमें इस पर वोट, हमें इस पर देना चाहिए कि मैं क्या करूँगा जनता के लिए। ये मतलब हमारे देश की जो जनता है उसकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार को चुनने के लिए, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, इस चीज़ को। बाकी मैं धर्म और चूंकि दर्शन करने तो आया हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, वो अलग चीज़ है, उससे हमको सरकार नहीं चुनना चाहिए, जो मैं मेरा मानना है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की सवाल है, उत्तर प्रदेश में 5 सालों में विकास तो देखिए कुछ नहीं हुआ, ये आप भी जान रहे हैं। केवल मंदिर, मस्जिद, गोबर, गौमूत्र, ये चीज़ें तो ये मत करो, जय श्री राम, जय श्री राम हम भी बोलते हैं, लेकिन जय श्री राम हम बोलते हैं इसलिए हमको आप वोट दीजिए वो नहीं है। आप देखिए काम कितने किया। अब अखिलेश जी की जो बात आ रही है, देखिए अखिलेश जी ने काम तो किया है, ये सब जानते हैं। आप लखनऊ मेट्रो देख लीजिए, कानपुर मेट्रो देख लीजिए, आपका स्टेडियम जो लखनऊ का है, मैं अभी लखनऊ घूमने गया था, मैंने देख किया, और लखनऊ की टीम बन गई आपकी, तो लखनऊ स्टेडियम इज गोइंग टू बी द होम ग्राउंड ऑफ लखनऊ टीम, यू ऑल्सो नो दैट। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, समझ रहे हैं। तो इससे जो चीज़ें हैं, जैसे कि अब स्टेडियम के आने से वहाँ पर हर तरह का बढ़ावा होगा, समझ रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो पर्यटन है वो बढ़ेगा। तो ये जो अखिलेश जी की जो सोच है, उनका विजन देखिए आप, लैपटॉप दिया, अब लैपटॉप जैसे उन्होंने दिया ये उनका काम था, अब लैपटॉप कोई बेच दे वो उसका काम है ना, वो लेने के बाद अब उसको बेच दीजिए, तोड़ दीजिए, उसमें आप क्या देख रहे हैं, उसका क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने जो किया वो मुझे लगता है कि एक अच्छा था, विजन उनका अच्छा था। अच्छा, उनके दौर में ये भी कहा जाता है, योगी जी ने खुद अभी 2-3 दिन पहले अपने एक बयान में कहा कि अखिल पुरानी जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें हिंदुओं को परेशान किया जाता था, टारगेट किया जाता था, और बिजली तक के लिए उनको मोहताज होना पड़ता था कि हिंदुओं के त्यौहारों पर बिजली आती थी, मुसलमानों के त्यौहार पर बिजली रहती थी, तो इस तरह की चीज़ें भी तो है, हिंदुओं को परेशान किया जाना वाला मुद्दा। मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक हिंदू हूँ, टीका उका सब लगाया हूँ, दर्शन करने आया था, ये एक मुद्दा बनाया जाता है, समझ रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो भी एक हिंदू ही है अखिलेश यादव भी, तो ये एक मतलब कि ये चीज़ें कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए इत्तेफाक से हिंदुओं का त्यौहार है और किसी एरिए में किसी डिफॉल्ट की वजह से बिल्ली चली गई, अब बीजेपी वाले उसको एक मुद्दा बनाएंगे, उसको चलाया जाएगा, समझ रहे हैं। अभी आप देखिए जो हाथरस में कांड हुआ, लड़की की लाश को जिंदा जलाया गया, आप सभी ने देखा, लड़की जलाया गया, डेथ कर गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डेथ कर गई थी, उसको बिना परिवार को दिखाया जला दिया गया, आप जैसे मीडिया के लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको मीडिया उस तरीके से नहीं दिखाएगी। यही अखिलेश यादव की अगर सरकार होती तो एक तरफ अखिलेश यादव का फोटो, एक तरफ हाथरस दिखाता, ये आप मानना कि नहीं। तो किसी चीज़ को आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, नैरेटिव गढ़ दिया, वो आप बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि किसी सरकार में सारी अच्छी चीज़ें ही होती हैं, दैट इज नॉट माय पॉइंट, बट द पॉइंट इज दैट कि हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग द थिंग्स, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। और मीडिया जो है, मीडिया एक बहुत बड़ा मतलब चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया को सही चीज़ों को दिखाना चाहिए जो आप नहीं दिखा रहे हो। अभी वो लखीमपुर खीरी घटना हमने देखी, सारी चीज़ें सामने आ गई है, आपको भी पता है, और वो उसको रिहा हो गया, वो मंत्री का बच्चा है, उसको कितना मीडिया दिखा रही है, कितना आज तक कितनी बार चला रहा है, एबीपी न्यूज़ कितनी बार चला रहा है, अंजना ओम कश्यप कितनी बार बोल रही है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो देखिए एकदम डंडा खड़ा कर देते हो, इस बात को आप मान रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा पॉइंट होता है, समझ रहे हैं। अब उनको यही दिखाया जाएगा कि बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मैं ये कह रहा हूँ हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। देखिए भारत जो है जैसे कोई बगीचा होता है, बगीचे में हर तरह के फूल होते हैं, समझ रहे हैं, हर तरह के गुलाब का भी होता है, गेंदे का भी होता है, लाल पीला हरा, तब उसको बगीचा बोलते हैं। इसलिए भारत जो है हमारा, इसकी अखंडता यही है, यहाँ हिंदू धर्म भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, इसी को जोड़ के भारत बना है, यही हमारी संस्कृति है, समझ रहे हैं। अगर हम चाहें कि हर तरफ एक ही धर्म हो,
एक ही तरह का बगीचे में एक ही फूल हो तो भी बगीचा नहीं अच्छा लगेगा। यही भारत की सुंदरता है, जो हमारी संस्कृति है, जो सारे धर्मों को हम लेकर के चलते हैं, और उसको अगर आपको लेके चलने में एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि नहीं आप उनके फेवर में जा रहे हैं इनके, तो वो गलत है, मुझे नहीं लगता। विकास पे बात करनी चाहिए, और विकास पे अगर जनता को भी वोट देना चाहिए तो विकास पे देना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। कोई किसका कितना बड़ा भक्त है, कोई किस भगवान का, वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं। जैसे मैं किसी भगवान का भक्त हूँ तो वो मेरी पर्सनल चीज़ है ना, उस पर मैं वोट नहीं मांग सकता कि हम हनुमान जी के भक्त हैं हमको आप वोट दीजिए, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ। वो मतलब आस्था और जो मतलब आपकी श्रद्धा होती है किसी के प्रति, भगवान के प्रति, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, उसको आप जनता में उसे मन लेके जाइए, वो आपकी चीज़ें हैं, मुझे जो लगता है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।